हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक अभिषेक में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ख़रीदा है बोया का M1 माइक और मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए ख़रीदा हूं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि इस माइक को कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कहना है कि ये किसी भी फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस ऐप की मदद से आप इस कैमरे को यूज़ कर सकते हो। मैं आज 3-4 ऐसे ऐप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसके साथ आप ये बोया M1 माइक को यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, लाल करके बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सको। तो फ्रेंड्स, ये है बोया का M1 माइक इसके अंदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल मैं इसे खोल दिया था इस बॉक्स को, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि ये देखो ये किस कंडीशन में लाया था, इसको पूरा तोड़ दिया था इसको। तो सोचा मैंने कुछ अगर डैमेज हो गया होगा तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा फ्रेंड्स, तो इसलिए मुझे कल खोल के चेक करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, मैं इसे पहले से ही खोल चुका हूँ और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये कैसे है, क्या क्या है इसमें अवेलेबल है, क्या क्या ये मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सिंपल से इसमें एक पाउच है और मैं इस पाउच को खोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें ये सबसे पहले आपको आ गया ये एक माइक बोया का M1। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये माइक है सिंपल बोया का। और फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैं इसमें पॉप फिल्टर पहले से लगा चुका हूँ, मैं आपको पॉप फिल्टर हटा के दिखा देता हूँ। देखो देखिए फ्रेंड्स, ये है माइक सिंपली, और ये माइक के बाद ये है क्लिप जिसको आप यहाँ पे आप लगाते हो अपने शर्ट के कारण में या फिर टी शर्ट के कारण में आप इसे यूज़ करते हो, लगाते हो, ये वो है। और फ्रेंड्स, ये है एक पॉप फिल्टर जो आपका नॉइज कैंसिलेशन का यूज़ होता है इसमें फ्रेंड्स। तो ये मैं इसको फिर से इसमें पुट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि फ्रेंड्स और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और पाउच है मुझे मिला है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखो फ्रेंड्स, इसमें ये एक एडेप्टर है जो कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इसे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें कुछ गोली दी गई है जो कि इसका फ्रेंड्स यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस माइक की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये माइक मुझे पड़ गया 882 रुपये फ्रेंड्स, मतलब 900 के आसपास मुझे ये माइक पड़ गया इसका प्राइस। मैंने इसे अमेजन से ऑनलाइन मंगाया था। और फ्रेंड्स, इस माइक की फ्रेंड्स खास बात ये है कि ये खास करके यूट्यूब वीडियोस के लिए ही बनाया गया है फ्रेंड्स। अगर आप यूट्यूब पे हो, अगर आप यूट्यूब पे बिगनर हो, मतलब छोटे यूट्यूबर हो, तो फ्रेंड्स आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, चीप प्राइस है इसका। और फ्रेंड्स, ये आप देखो फ्रेंड्स, आप इस माइक का यूज़ आप डिफ़ॉल्ट कैमरे के साथ यूज नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो? तो फ्रेंड्स, आप इसका यूज़ कर सकते हो ओपन कैमरा। तो फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है ओपन कैमरा ऐप, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लो ओपन कैमरा ऐप, और फिर उसके सेटिंग में जाके आप चेंज कर दो उसकी सेटिंग, और ऑडियो में जाके आप चेंज कर दो एक्सटर्नल माइक, ठीक है। तो फिर आप दोस्तों इस माइक का आप यूज कर पाओगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये इसमें 20 फीट की केबल दी गई है फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हो ये यहाँ बहुत लंबी तार है, जो तार आप जब वीडियोज़ बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप इस तार का यूज़ कर सकते हो सिंपली। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और अभी जो आप फ्रेंड्स मेरा वॉइस आप सुन पा रहे थे पहले, जो मैंने इंट्रोडक्शन में रिकॉर्ड किया था फ्रेंड्स, वो इस माइक से ही रिकॉर्ड किया था। और अभी फ्रेंड्स, ये सिंपल कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है फ्रेंड्स, मेरा ये ऑडियो ये सिंपली अभी कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही, यही था ये मैंने ये जो अनबॉक्सिंग का जो ये वीडियो बनाया था फ्रेंड्स आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।